जय महाराष्ट्र, मी अमृता बने। राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमात आपलं खूप खूप स्वागत आहे। या कार्यक्रमात आपण राजकीय घडामोडींचा भविष्यवेध घेत असतो आणि या कार्यक्रमात वर्तवलेली भविष्यवाणी ही 99% खरी उतरत असते। आज पुन्हा एकदा राजकीय विषयांवर आपण बोलणार आहोत आणि नेहमीप्रमाणे अचूक भविष्यवेध घेण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा। पंडितजी, आपका इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। आज भी कुछ खास विषयों पर हम चर्चा करेंगे, शुरुआत करेंगे। जैसे बहुत बड़ा हादसा हुआ है, भारत मतलब बहुत बड़े हादसे से जा रहा है। पुलवामा में जो आतंकी हमला हो गया है उसमें 40 जो जवान है उनको शहादत मिली है। जी करता है कि ऐसे हमले ना हो, बहुत ही दुख होता है जैसे ये घटना ऐसे सुनते हुए भी। आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है, जो कश्मीर है और भारत के और जो प्रदेश है उनमें ऐसे जो आतंकी हमले और हो सकते हैं या नहीं, आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इस तरह के दुखद घटना जो है वो होनी ही नहीं चाहिए जी। पूरे विश्व के लिए ये एक बहुत ही दुखदाई, शोक भरा समाचार बिल्कुल है। और हमारे देश के बच्चे देश के लिए कुर्बान हुए हैं। जय महाराष्ट्र की तरफ से, राजमंत्र की तरफ से जी, उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि। क्योंकि कहते हैं कि जवान जबी सेना में दाखिल होता है तो डेफिनेटली उसकी कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि मैं अपने देश के लिए लड़ूं और कुर्बान हो जाऊं। बिल्कुल। आज इन 40 नौजवान शहीदों को मेरा शत शत प्रणाम है। और इस तरह, जिस तरह से कायरता से पाकिस्तान ने इस घटना को अंजाम दिया है, इसकी भरकस निंदा करनी चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि एक पाकिस्तान को काय को इल्जाम लगाते हैं कुछ लोगों के लिए, नहीं, ये पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आउटफिट्स हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद है, चाहे वो जितनी भी वहाँ की जो ये संगठन है, ये पाकिस्तान और आईएस द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं। अच्छा, इसलिए इनकी घोर निंदा करता हूँ मैं इस मंच के माध्यम से। और इन शहीद बच्चों को बहुत बहुत शत शत प्रणाम करता हूँ। भारत का दिल रो पड़ा आज, मैं तो ये कहूँगा, जब उनके घरों में उनकी उनके ताबूत गए तो प्रधानमंत्री साहब को जब हमने कल देखा और वहाँ पर जितने भी नेता गए हुए थे उनकी आंखें नम हो गई। डेफिनेटली वहाँ पे एक बात का प्रणाम मिला कि लोकतंत्र जिंदा है और लोकतंत्र जो है भारत में बहुत कठोरता से अपना काम कर रहा है। वहां पे किसी भी आदमी ने किसी तरह की पार्टीबाजी या राजनीति की बात नहीं करी। और ये बोला गया प्रधानमंत्री को और देश की सैनिक पीढ़ी को कि हम सब इकट्ठे हैं, अगर मुंह तोड़ जवाब देना है तो हम आपके साथ खड़े हैं। यहां तक कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह की बयानबाजी की उसके लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं। भारत एकता, अनेकता में एकता का नाम है। बिल्कुल, हम लोग इकट्ठे हैं। अब भारत की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली एक बात तय है कि अभी तक ये चीजें जो हैं थमी नहीं है। आगे मुझे थमती दिखाई नहीं देती हैं। 2019 विशेष में हमने जब कार्यक्रम किया था तो उस कार्यक्रम में बेटा ये एक बात बोली थी मैंने कि अगले साल का राजा शनि है और मंत्री सूर्य है। अच्छा। नीलांजनम समाभासम रविपुत्र जमाग्रजम छाया मारतंड संबुत्तम तम नमामि शनेश्वरम। तो ये जो विरोधाभास है, शनि और सूर्य जब भी जिस भी संबत में इकट्ठे हुए हैं तो युद्ध जैसे वातावरण बने हैं, आतंकवादी हमले हुए हैं और कहीं ना कहीं धरती यानी भूकंप आए हैं। सांप्रदायिक दंगों की भी मैंने बात की थी, वो भी होते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा। यहां तक आतंकवादी हमलों की बात करें, जिस तरह का ये हमला हुआ है, डेफिनेटली पाकिस्तान जो है अपनी नीच प्रवृत्ति से बाज नहीं आ सकता। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, उनको आप कितना भी प्यार करो, कितना भी हमारे देश ने उनको कितनी बार समझाने की कोशिश की,
डांट कर सर्जिकल स्ट्राइक करके भी उनको दिखाई तो भी उनके सिर पे जू नहीं रेंगी, क्योंकि बेशरम कौम है वो। सही बात। इस तरह आप क्यों बेशरम कौम है, क्योंकि आगे हम और उस विषय के ऊपर भी बात करेंगे। इसलिए भारतीय सेना को और भारतीय लोगों को, देखिए ये बहुत ही गंभीर बात है कि यहाँ से हमारे सीआरपीएफ की या सीआरपीएफ की जो कानबाई जा रही थी वहाँ पे किसी कार का होना एक अचंभा, क्योंकि हमारे जवान वहाँ पर अगर गलियों में बाजारों में जाते हैं तो उनके ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, तो करना क्या होगा। डेफिनेटली आज यहाँ पर ज्योतिष कम और राष्ट्र की बात ज़्यादा करूँगा मैं, करना क्या होगा। सबसे पहले जो लोग कश्मीर में बैठे हैं उनको सीधा करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे जवानों के पीछे पत्थर लेकर भागते हैं और उनको स्पॉन्सर्ड करने वाले वहां पे 3-4 नेता हैं, उनको सीधा करना पड़ेगा। मैं तो यहां पर यह कहूंगा कि उनको उनका चेहरा दिखाना पड़ेगा कि भारत में रहकर भी भारत का पासपोर्ट, भारत की स्पॉन्सर्ड खाने के बाद भी भिखारियों की तरह भारत की सब चीजें उनको भारत उनको देता है, उसके बावजूद भी वो भारत का विरोध करते हैं। और ये जो बच्चे हैं इनको उग्रवाद, आतंकवाद, दहशतगर्द बनाने में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं वहां के बाशिंदे जो हैं वही इस काम को अंजाम देते हैं। अच्छा। आप जो लड़का पकड़ा गया है जिसका नाम डार है, वो कहाँ का है? ही इज फ्रॉम कश्मीर ओनली। उन बच्चों को बरगला कर ये लोग, धर्म कोई धर्म ये नहीं सिखाता है कि आप अपने शरीर के ऊपर बम लगाकर, कार में बम लगाकर 40 लोगों को शहीद कर दो। नो, कोई धर्म ये नहीं सिखाता है। मगर एक बात तय है कि इस तरह की घटनाओं को रोका नहीं जा सकता इमीडिएटली। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को, माननीय प्रधानमंत्री को, राजनाथ सिंह को, श्रीमती सीतारमन को इकट्ठे बैठ के बाहर के जितनी भी ताकतें हैं, जैसे उन्होंने अभी कुछ अधिकार पाकिस्तान के खत्म कर दिए, बाहर की ताकतों का सपोर्ट लेकर पाकिस्तान को एक बार कड़ा रुख इख्तियार करके सीख देनी पड़ेगी जी। ये बात समझ के ले लीजिए। मगर ये अभी रुका नहीं है। इस तरह की घटना कश्मीर में पिछले 30 सालों से, मिनिमम 20 सालों से होती आ रही है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को पीडीपी के साथ में सरकार बनाने के समय ही मैंने कहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं पीडीपी की भाषा, महबूबा मुफ्ती की भाषा और उनके वालिद साहब जिनकी डेथ हो गई है उनकी भाषा अगर हम देखते थे तो डेफिनेटली देवर सपोर्टिंग दीज आउटफिट्स। डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहां पर मैं भरकस निंदा करते हुए जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, और हमारे जितने भी भारत के बॉर्डर्स को लगते हुए शहर हैं जैसे कश्मीर है, जम्मू है, कहीं ना कहीं गंगानगर है, गुजरात में बहुत से शहर जो हैं हमारे वहां पे लगते हुए पाकिस्तान की सीमा को, क्योंकि यहाँ पर कहाँ से आए थे वो, कराची से आए थे यहाँ पे जब भी घटना हुई है 26/11 की ताज में घटना हुई है, वो कहाँ से आए थे। तो हमारी एजेंसियों को, हमारे लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, और जो भी व्यक्ति इन लोगों को शह देता है उनको कड़ी से कड़ी सजा, इवन फांसी की सजा दे देनी चाहिए ताकि राष्ट्र की तरफ कोई उंगली उठाकर ना देखे। मगर मैं सैल्यूट करता हूँ उन बच्चों को और कहता हूँ कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशा होगा। जी, बहुत सही बात कही आपने पंडित जी। बहुत चीड़ आती है, गुस्सा आता है जैसे ये घटना हम सुनते हैं, पर अभी जो कई भी हिंदुस्तानी उनके मन में एक ही विचार आ रहा है कि भारत पाकिस्तान में युद्ध होगा, और पाकिस्तान की कुंडली क्या कहती है, आपका भविष्य क्या कहता है? देखिए, कुछ साल पहले मैं जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कुंडली देख रहा था, वी आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। अच्छा। जैसे ऐसा समझ लीजिए कि एक मोहल्ले में 4 घर हैं, एक के बच्चे बहुत अच्छे हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं,
बाप की सेवा करते हैं, माँ की सेवा करते हैं और दूसरा पड़ोसी जो है उसको देख के खुश नहीं होता है. सिमिलरली और दूसरे पड़ोसी के जो बच्चे हैं वो ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, वेश्यावृत्ति करते हैं. ये एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा. सिमिलरली हमारा और पाकिस्तान का कुछ ऐसा ही रिश्ता चल रहा है. उन्होंने अपने आप को संभाला नहीं, उनके जितने भी नेता आए उन्होंने अपना अपना पेट भरने की कोशिश की और उसमें भी पाकिस्तान की कुंडली का बहुत बड़ा हाथ है. कर्क लगन मिथुन राशि पाकिस्तान की, अब मैं कुंडली की अगर बात करूं तो लगन में बैठा हुआ शनि सूर्य, आपको आपने देखा मैंने बोला कि शनि और सूर्य इस साल के राजा और मंत्री हैं. शनि और सूर्य साथ में शुक्र और बुध, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है पाकिस्तान की. और ये मैं यहां पर तीसरी बार प्रेडिक्ट करता हूं कि 2025 से पहले पहले पाकिस्तान के तीन टुकड़े होंगे जिसमें अफगानिस्तान जो है कहीं ना कहीं कोहाट और पेशावर को अपनी तरफ ले जाएगा और पंजाब कश्मीर जो है, कश्मीर जो आजाद कश्मीर को ये लोग कहते हैं, वो यहां पर आ जाएगा. वहां के लोग चाहते हैं, मोदी जी के नारे लगाते हैं. अच्छा, वहां के लोग चाहते हैं बेटा, ये बात ध्यान से सुनिए आप. तो कहीं ना कहीं कराची एक फ्री पोर्ट रह जाएगा, इवन लाहौर जैसा शहर जो है वो भी हमारे में सम्मिलित हो सकता है. और इस कहीं ना कहीं अफगान, ये मैं तीन चार बार कह चुका हूं कि पाकिस्तान के तीन टुकड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान अगर बचेगा तो डेफिनेटली एक कराची जैसा शहर बचेगा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है फ्री पोर्ट बन के काम हुआ करेगा. नास्तो नेस्तो नबूत हो जाएगा पाकिस्तान. पाकिस्तान की सिचुएशन अगर हम कुंडली की देखें, सूर्य और शनि की महादशा चल रही है, नवाज शरीफ हों और परवेज मुशर्रफ हों या फिर इस वक्त इमरान खान हो, इनकी चलती ही नहीं है वहां पे. ऐसा होता है ना कि आप अपने घर में एक फादर हैं, आपके बच्चे आपकी बात ही नहीं सुनते तो आप क्या करोगे? वहां पर बैठे हुए जितने भी उग्रवादी आतंकवादी संगठन हैं वो अपनी चलाते हैं. मौलानाओं से भरा हुआ पाकिस्तान जो है पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेकर जा रहा है. इस वक्त पाकिस्तान की कुंडली में शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा लगी हुई है. दोनों कहीं ना कहीं दैत्य और जिस कारण पाकिस्तान जो है तबाही की तरफ जा रहा है. आज पाकिस्तान की हालत ऐसी है जिस जैसे किसी के ऊपर डबल सारे सती लगी होती है. खाने को लोगों के पास अनाज नहीं है. कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात करें तो 115-120 रुपए डॉलर के भाव पाकिस्तान के रुपए के हो चुके हैं. और पाकिस्तान में तीन तीन दिन लाइट नहीं आती है. इस तरह की कगार पर बैठा हुआ पाकिस्तान फिर भी ये जो हाफिज सैयद हैं और मुल्ला उमर हैं इन लोगों को सपोर्ट करता है. अगर पाकिस्तान सही मायने में अपने राष्ट्र की सेवा करना चाहता है तो नरेंद्र मोदी से सीखे, श्रीमती इंदिरा गांधी से सीखे जो चली गई. क्या किया उन्होंने? पाकिस्तान से अलग थलग कर दिया बांग्लादेश को और बांग्लादेश में एक स्थित सरकार बन गई. भूखे मर रहे थे बांग्लादेशी लोग. आज इस वक्त अगले 3-4 सालों में पाकिस्तान की जो हालत होगी यहां से और 100% नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है. इसलिए इमरान खान को वहां पर कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए और इन लोगों को शरेआम कहीं चौराहे में खड़े होकर गोली मार देनी चाहिए और सजाए मौत देनी चाहिए जो इस तरह के घिनौनी हरकत करते हैं जी. ये लोग हमारे यहाँ पे ताज में इतना बड़ा कांड कर गए, इतना बड़ा कांड यहाँ पर कर, ये कौन है? ये पाकिस्तान आर्मी नहीं है, आर्मी द्वारा स्थापित की हुई ये उग्रवादी संगठन है. और कुंडली के हिसाब से कहीं ना कहीं अगला 1.5 साल पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही खराब है जी. पर ऐसे हमले ना हो यही प्रार्थना हम करते हैं. और भी आपसे बातचीत करनी है और भी राजनीतिक भविष्य आपसे जानना है. पाकिस्तानची कुंडली तर आपण ऐकली पंडितजींकडून, पण यानंतर भारताचं राजकीय भविष्य काय सांगते ते देखील आपल्याला पंडितजीच सांगणार आहेत. पण राजमंत्र मध्ये आता वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. पाहताय जय महाराष्ट्र. We'll be right back.
ब्रेक नंतर राजमंत्र मध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आपल्या सोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा. पंडित जी, ब्रेक के बाद राजनीतिक भविष्य की ओर पड़ेंगे. जैसे 2019 चुनाव का माहौल है, एक तरफ महागठबंधन हो रहा है, युति की चर्चा हो रही है, इसी दौरान राजनीतिक हालचाल देखी जाए तो राज ठाकरे जी जो राष्ट्रवादी के जो नेता है उनके साथ बहुत दिखाई दे रहे. और हालांकि में देखा जाए तो अमित ठाकरे जी उनके शादी में भी राष्ट्रवादी के नेता उपस्थित थे, मौजूद थे. तो इस चुनाव में जैसे छगन भुजबल जी नासिक से लड़ सकते हैं तो उनको राज ठाकरे साथ देंगे या नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, यहाँ तक राज ठाकरे की कुंडली का अध्ययन करते हैं, मकर राशि शनि की महादशा चल रही है और मैं बहुत सालों से कह रहा था कि शनि की साढ़े सती भी लगी हुई है मकर राशि के ऊपर. अच्छा। मगर राज ठाकरे 2019 में कहीं ना कहीं वापस जिस तरह बुझे बुझे थे, एक बार फिर कहीं ना कहीं आपको चिंगारी बनकर नजर आते हुए दिखाई देते हैं. अच्छा. और ये बात दो तीन बार मैं कह चुका हूँ पिछले साल और इस वक्त फिर दोहराता हूँ. यहाँ तक शगन भुजबल की कुंडली का अध्ययन करते हैं या एनसीपी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, शरद पवार साहब की कुंडली का अध्ययन करते हैं, तो एक बात पक्की है कि राज ठाकरे की कुंडली और शरद पवार की कुंडली की बात करते हैं. फिर उसके बाद में भुजबल साहब की कुंडली जो है वो भी डेफिनेटली एक मायने रखती है. ऐसा कहीं ना कहीं साफ साफ प्रतीत होता है कि शरद पवार इस बार एक लंबी पारी खेलने के मूड में है. अच्छा। राज ठाकरे हो या कहीं ना कहीं राजू शेट्टी हो, स्वाभिमान संगठन के विनायक मेटे हो, जानकर हो, डीवाई पाटिल हो, बहुत से लोगों को अपने साथ से मिलित करके आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं. यस, राज ठाकरे एनसीपी के साथ में जा सकते हैं. अच्छा। यहां तक कुंडली का ख्याल करें क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इस साल वापिस बाउंस बैक यानी रिकवर होते हुए दिखाई देते हैं. जिस तरह से वो डीरेल मतलब हो चुके थे, आपने देखा जी, 19 में वापिस वो अपनी एक बार फिर शुरुआत कर सकते हैं और आगे विधानसभा के इलेक्शन है, लोकसभा से शुरुआत करके विधानसभा में फिर अपनी हाजिरी जो है वो कायम कर सकते हैं. जी, युति पर जैसे चर्चाएं हो रही है और एक मतलब भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि युति तो होनी ही है और हमारी तरफ से सकारात्मक चर्चाएं हो रही है, पर कोई निश्चित निर्णय युति के संदर्भ में अभी तक तो नहीं लिया गया. तो इसके पहले जो चर्चा हुई थी उसके बारे में शिवसेना ने भाजपा के सामने जो बहुत तीन चार ऐसी शर्तें रखी, उसमें महत्वपूर्ण शर्त ये थी कि जो अगला सीएम रहेगा, मुख्यमंत्री रहेगा, वो शिवसेना का रहेगा. तो क्या ये भाजपा ये जो शर्त है वो मंजूर करेगी, आपको क्या लगता है? और भाजपा या शिवसेना किसका मुख्यमंत्री रहेगा, ये हर एक के मन में सवाल है. बहुत बढ़िया बात कही आपने और बहुत ही सुंदर बात है. इस वक्त उद्धव जी का और देवेंद्र फडणवीस का रोज मीटिंग्स चल रही हैं कहीं ना कहीं. अमित भाई जो है वहाँ से अपनी इंटरवेंशन एंड दे वांट दैट कि ये युति हो जाए और युति होते हुए दिखाई देती है. नंबर वन प्रेडिक्शन. अच्छा. नंबर टू कि 24-24 नहीं, कहीं ना कहीं 25-23 यानी 48 सीटें हैं ना, 25-23 25-23 के योग बनते हुए दिखाई देते हैं और 26-22 कहीं ना कहीं इनकी युति होगी, पर 25-23 के ज्यादा योग हैं. आज कुछ न्यूज़पेपरों में भी आया. अच्छा। और दो तीन महीने हफ्ते पहले हमने ये इसके बारे में यहाँ पर भी चर्चा की थी. अब मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो डेफिनेटली जो जीतेगा वही सिकंदर होगा. एनसीपी का अगर मुख्यमंत्री बनता है तो मुझे साफ साफ सुप्रिया सुले भी दिखाई देती हैं. अच्छा. क्योंकि वहां पर शरद पवार साहब का 50 साल का एक्सपीरियंस, आप देख रहे हैं कि हर जगह पे वो अपना पैर जो है फूंक फूंक कर रख रहे हैं और हर तरफ इस उम्र में भी इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद में भी उनसे सीखना चाहिए कि उन्होंने आज एनसीपी को मजबूत कर दिया है. डीवाई पाटिल के सारे परिवार को, प्रशांत हीरे के सारे परिवार को और कितने लोगों को साथ में लेकर चलना शुरू कर. पंडित जी, इसको जुड़ते हुए एक ही और एक सवाल है कि शरद पवार जी ये जो 2019 का चुनाव है वो लड़ेंगे या नहीं? हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली शरद पवार जी कुंडली में, उनकी कुंडली में 2019 का चुनाव लड़ेंगे और भारी मतों से जीत कर आते हुए दिखाई देते हैं. और अगर बीजेपी और शिवसेना की बात करें, अगर इनका बहुमत हुआ तो मुझे शिवसेना की सीटें ज्यादा आती हुई दिखाई देती हैं और मेरा कैंडिडेट जो शिवसेना का कैंडिडेट होगा, जो कुंडली के हिसाब से बहुत सी कुंडलियां हैं, सुभाष देसाई की भी है, मुझे जो दिखाई देती है कुंडली सबसे उत्तम कुंडली वो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की कुंडली है. उसके ऊपर डेफिनेटली उद्धव जी जो है विश्वास रख सकते हैं. अच्छा। इस वक्त उनके पास दो मंत्रालय ऑलरेडी हैं.
तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है कि अगर शिवसेना और बीजेपी की सरकार बनी तो शिवसेना के पास का चाहे एक विधायक ज्यादा हो, समझे ना आप जी, अभी जी, बनेगा किस कौन, मैं 18/2/2018 के बाद बोला हुआ बोलूंगा डेफिनेटली एक्चुअल प्रोडिक्शन जैसे हमने छत्तीसगढ़ राजस्थान वहां की थी, मगर युति होती हुई दिखाई देती है एनसीपी और कांग्रेस की, बहुत बड़ी टक्कर है बेटा, ये बहुत बड़ी टक्कर है। इसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो बाहर के लोग हैं, चाहे वो बिना एक मेटे हैं, चाहे वो जानकर हैं, चाहे वो राजू शेट्टी हैं, ये लोग जो हैं सत्ता का कहीं ना कहीं गठन करेंगे कि हम तो जिधर जाएं। बड़ी टक्कर दिखाई देती है, बहुत बड़ी, बहुत नेक टू नेक। आगे हमारी चर्चा की ओर बढ़ेंगे। जो भारत के वित्त मंत्री हैं अरुण जेटली, उनकी तबीयत ठीक ना होने के वजह से उनपे अमेरिका में इलाज जारी था, फिर से अभी तकरीबन एक महीने के बाद उन्होंने वित्त मंत्री पद फिर से हाथ में ले लिया है। इसके बाद जैसे आपने पहले भी कहा था कि उनकी तबीयत बिगड़ सकती है और वैसे भी उनपे इलाज जारी था, इसके बाद उनकी प्रकृति कैसे रहेगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो उनसे सबसे पहले हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि उनको रेस्ट करनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह उनका चेहरा है, जिस तरह से उनकी भावभंगिमाएं हैं, बॉडी लैंग्वेज है, राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम मानता हूं मैं, मगर डेफिनेटली आपकी सेहत अच्छी है तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, शरद पवार साहब की तबीयत खराब थी तो उन्होंने बाहर नहीं निकले, आज तबीयत अच्छी है तो देखिए कैसे घोड़े की तरह भागते हैं, हर काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं। आपकी तबीयत अच्छी नहीं है अरुण जी, आपको रेस्ट करना चाहिए, आपको अपनी तबीयत के ऊपर पूरी तरह से पाठ पूजा इलाज करवा लेने चाहिए, क्योंकि मुझे अभी भी नहीं लगता है कि उन ये सीट के ऊपर वो कंटिन्यूसली काम करने में सक्षम होंगे। अच्छा। उनकी तबीयत वापस बिगड़ सकती है, ये मैंने 3 बार बोला और दो बार बोला और दोनों बार बिगड़ी, अब 3री बार बोल रहा हूँ, मगर उनकी दीर्घायु के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए मैं कामना देता हूँ और सोचता हूँ कि वो स्वस्थ रहें, मगर उनको रेस्ट कर लेनी चाहिए। जी पंडित जी, हमारा वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी जो सवाल है, कमोडिटी मार्केट और शेयर मार्केट और इस पे आपकी जो भविष्यवाणी है वो बहुत मायने रखती है, जो खरी मतलब जो सच रहती है, तो इसके बारे में आप कहेंगे अगले जो पूरा हफ्ता है वो कैसा रहेगा कमोडिटी और शेयर मार्केट के लिए? कभी कभी इधर उधर भी हो जाती है जी, इसलिए मैं दर्शकों को बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस रख के काम करें। अच्छा। हम आपके फायदे और नुकसान के जिम्मेदार नहीं है, मगर भविष्यवाणी देखकर बहुत से दर्शक सराहते हैं, पैसा कमाते हैं, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट अर्निंग। 35,800 के ऊपर बीएससी बंद हुआ है, 36,200 के ऊपर नहीं जाता, मैं बुलिश नहीं हूँ, बेरिश हूँ, तो ये 35,000 का आंकड़ा जरूर टच कर सकता है, 35,200, 35,000, इसलिए मार्केट में बहुत ध्यान से चलें। और कहीं ना कहीं एनएससी जो है 10,550 का आंकड़ा देख सकता है, ऊपर का आंकड़ा जो है 10,900 का हो सकता है। गोल्ड खरीद के बैठ जाइए, गोल्ड में 35,000 दिखता है अगले 2-3 महीनों के अंदर, सिल्वर 39,900 पे आया है, थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस रख के अगर ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ आप लॉन्ग टर्म के लिए 45,000 का आंकड़ा मैं सिल्वर में पर केजी में देखता हूँ। अच्छा जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप इस शो में आए और दर्शकों को मार्गदर्शन किया। मी जसं सुरुवातीला म्हटलं होतं की हा कार्यक्रम लोकप्रिय आहे आणि बऱ्याच जणांनी या संदर्भातल्या प्रतिक्रिया दिलेल्या आहेत, त्यांची नावं सांगते, राजद आहेर, हॅरोल्ड, त्याचप्रमाणे विक्रम नलावडे, योगेश जैन, विशाल गाडे, शुभम अडसोड, अमित नाईक वरोरावरून, त्याचप्रमाणे सुयोग राऊत, सागर रेडकर, सुरेश पानकर, त्याचप्रमाणे कौस्तुभ कुलकर्णी, रोनाल्ड गोन्साल्विस, बलवंत केळकर, त्याचप्रमाणे विदेश भट्टाचार्य नवी दिल्लीहून त्यांची प्रतिक्रिया आलेली आहे, राजेश वाघचौरे जे वैजापूरवरून त्यांनी प्रतिक्रिया पाठवली आणि त्याचप्रमाणे चंद्रपूरहून निलय कुमरे, या सगळ्यांचे खूप खूप धन्यवाद आहेत, खूप खूप आभार आहेत। राजमंत्रमध्ये आता वेळ झालेली आहे इथेच थांबण्याची, पाहत राहा जय महाराष्ट्र न्यूज।